यूपी में चार सीटों पर प्रत्याशी जो है वो घोषित कर दिए हैं। गाजियाबाद से डॉली शर्मा को कांग्रेस ने चुनावी मैदान में उतारा है। बुलंदशहर से शिवराम वाल्मीकि जो है प्रत्याशी बने हैं। महाराजगंज से वीरेंद्र चौधरी कांग्रेस के उम्मीदवार हैं और सीतापुर से पूर्व मंत्री नकुल दुबे के नाम पर कांग्रेस ने मोहर लगाई है। लेकिन आपको बता दें कि अभी भी कुछ सीटों पर सस्पेंस जो है वो बरकरार रखा है। तो कांग्रेस ने चार प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारा है। चार सीटों पर प्रत्याशियों के नाम का अनाउंसमेंट कर दिया गया है और इसके साथ ही कांग्रेस ने यूपी में चार सीटों पर प्रत्याशी तो घोषित कर दिए लेकिन कुछ सीटों पर अभी भी सस्पेंस जो है बना हुआ है। तो फिलहाल गाजियाबाद से डॉली शर्मा जो है वो चुनावी मैदान में है और इसके साथ ही लगातार जो है कांग्रेस में बैठकों का दौर चल रहा है, मंथन का दौर चल रहा है, उम्मीदवारों को लेकर चर्चा चल रही है। बुलंदशहर से शिवराम वाल्मीकि जो है प्रत्याशी बनाए गए हैं और महाराजगंज से वीरेंद्र चौधरी जो है वो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। तो वहीं सीतापुर से पूर्व मंत्री नकुल दुबे के नाम पर मुहर लगी है। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करते हैं निकिता सरीन, इस वक्त संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ गई हैं। निकिता, कांग्रेस ने चार सीटों पर चार उम्मीदवारों के नाम की घोषणा तो कर दी है लेकिन कुछ सीट अभी ऐसी हैं जिस पर सस्पेंस बरकरार है और कांग्रेस कहीं ना कहीं लेट लतीफी करती हुई नजर आ रही है। देखिए, कांग्रेस ने बुधवार देर शाम चार सीटों पर जो अपने कैंडिडेट्स हैं वो घोषित कर दिए हैं, जिसमें गाजियाबाद से महिला उम्मीदवार डॉली शर्मा पर फिर से एक बार कांग्रेस ने दांव लगाया है। जबकि अमेठी और रायबरेली की बात की जाए तो उसको लेकर के संशय अभी भी बरकरार है। समाजवादी गठबंधन के तहत कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में फिलहाल 17 सीटें मिली हैं, जिसमें 9 सीटों पर पिछले हफ्ते की अगर बात की जाए तो उम्मीदवार घोषित कर दिए थे और बुधवार को चारों उम्मीदवार की घोषणा कर दी थी। हालांकि अभी अमेठी और रायबरेली के पट्टे नहीं खोले गए हैं और इसी तरह मथुरा सीट पर भी जो मंथन है वो चल रहा है। सूत्रों का ये भी कहना है कि प्रयागराज लोकसभा क्षेत्र से समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता जो हैं पूर्व सांसद रेवती रमन सिंह के बेटे उज्जवल रमन सिंह पर दांव लगाने की तैयारी हो रही है। साथ ही जल्द ही कांग्रेस की जो सदस्यता है वो भी ले लेंगे और लिस्ट में सीतापुर की जो पूर्व मंत्री हैं नकुल दुबे उन पर दांव लगाया जा रहा है। वहीं गाजियाबाद से जो डॉली शर्मा हैं उन पर फिर से दांव लगाया गया है। आपको बता दें कि अगर 2019 की बात करें तो कांग्रेस के टिकट पर लोकसभा चुनाव में उतरी थी और तीसरे स्थान पर भी रही थी डॉली। और वहीं बुंदेल शहर से शिवराम वाल्मीकि को प्रत्याशी घोषित किया गया है, वह लोकसभा के पहले चुनाव लड़ रहे हैं। साथ ही महाराजगंज से कांग्रेस ने अपने विधायक वीरेंद्र चौधरी को दांव पर लगाया है। वह इस बार लोकसभा क्षेत्र की जो विधानसभा क्षेत्र है वहां के विधायक भी हैं। तो देखिए, जिस तरीके से अभी कुछ पट्टे नहीं खुले हैं और मेन जो सीट्स है रायबरेली और अमेठी है, तो कहीं ना कहीं लेट लतीफी के साथ साथ दीप्शी आपको ये भी बता दूं कि कहीं ना कहीं उनको एक डर भी, एक नर्वसनेस फैक्टर भी बना है, क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस चल रही है प्रत्याशियों को धीरे धीरे वो मैदान में उतार रही है, एक टफ फाइट है भारतीय जनता पार्टी से। हालांकि अलायंस समाजवादी पार्टी से जरूर है लेकिन अभी भी कई जिलों के पट्टे नहीं खोले हैं कांग्रेस ने कि कौन से प्रत्याशी। देखिए निकिता, यहाँ पर गठबंधन जरूर है सपा से, लेकिन अगर हम सपा की बात करते हैं, बीते दिन जिस तरह से रामपुर और मुरादाबाद सीट को लेकर गहमा गहमी देखने को मिली, इसी तरह से कांग्रेस में भी अभी लगातार जो है रायबरेली और अमेठी को लेकर सस्पेंस बरकरार है। क्या इस तरह की तस्वीरें कांग्रेस में भी देखने को मिल सकती है जो बीते दिन हमने सपा पार्टी में देखी है? देखिए, समाजवादी पार्टी में तो ऐसा हुआ कि दो कैंडिडेट्स ने नामांकन कर लिए, फिर देर शाम तक क्लियरेंस भी हो गया। और समाजवादी पार्टी के खेमे की बात करें तो वहां आजम खान की जीत भी बताई जा रही है और ऐसे में तकरार बढ़ ना जाए, ऐसे सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि शिवपाल यादव भी पहुंचेंगे आजम खान से मिलने और इन बातों को सॉर्ट आउट करने। वहीं अगर मैं कांग्रेस की बात कर लूं तो कांग्रेस जिस तरीके से अभी अमेठी और रायबरेली के पत्ते नहीं खोल पाई है, किसको अभी कैंडिडेट उतारना है ये एक बड़े क्वेश्चन मार्क बना है। और ऐसी बात बिल्कुल जिस तरीके से आप क्यास लगा रहे हैं, हम क्यास भी लगा सकते हैं कि ऐसा कहीं जो माहौल है वो कांग्रेस में भी ना बन जाए और इसी का जो वोटों का जो बंटवारे का फायदा है वो सीधा सीधा फिर भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा, और क्योंकि वहीं से एक टफ फाइट भी है इन सभी ऑपोजिशन पार्टीज की। बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए निकिता बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अपनी नजर बनाकर रखिएगा, तमाम अपडेट आपसे लेते रहेंगे। चूंकि कांग्रेस में लगातार मंथन का दौर चल रहा है और कैंडिडेट फाइनल करने की जो है बात की जा रही है फिलहाल।